गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट सॉलिड स्टेट फिजिक्स। लास्ट टू वीडियो में हमने चर्चा की थी क्रिस्टल, क्रिस्टल लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस, डिफ्रेक्शन फ्रॉम क्रिस्टल। आज हम बात करेंगे स्कैटरिंग फैक्टर एंड सेलेक्शन रूल फॉर द डिफ्रेक्शन एंड एच डब्ल्यू डिस्कशंस। इन स्कैटरिंग फैक्टर्स फर्स्ट वी डिस्कस इन ब्रेक्स लॉ। व्हाट इज ब्रेक्स लॉ? ब्रेक्स लॉ के अनुसार किसी भी प्लेन की एक सतह से रिफ्लेक्टेड वेव्स उसी सतह में अदर लेयर से रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो 2d sin θ = n λ के इक्वल होता है। इसको हमने क्या बोला? ब्रेक फॉर्मूला। इसको फाइंड आउट कैसे करें? प्रीवियस क्लास के अंदर हम इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं। यहाँ कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर ए शार्प पीक इन द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशंस। स्कैटर्ड से क्या मीन्स? यहाँ पर कोई भी रेडिएशंस आके इस पॉइंट के या इस एटम से आकर के टकराए, देन ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड। तो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव्स है, जैसे हमने एरो से शो कर रखा है, ये फर्स्ट लेयर से रिफ्लेक्ट होकर की गई। सेकंड लेयर, जो दोनों लेयर के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी है? डी है। तो सेकंड लेयर से रिफ्लेक्ट हो गई, इस तरह से सेकंड, थर्ड, फोर एंड सो ऑन। तो इन दोनों जो लेयर से वापस इंसिडेंट होकर के अलग अलग लेयर्स के अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर आके और वापस रिफ्लेक्ट होकर के सेम उसी प्लेन में उसी मीडियम में वापस चले गए। तो इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, उसको हमने फाइंड आउट किया। कितना? 2d sin θ = n λ के। ये किस कंडीशंस पे होगा इसकी एंट्री? देन एक्सरे शुड बी स्पेरिकली रिफ्लेक्टेड बाय द एटम इन वन प्लेन, देन रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द सक्सेसिव प्लेन इंटरफ्रेंस कंस्ट्रक्टिवली। कंटिन्यूसली होना चाहिए रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो प्लेन्स में इंटरफ्रेंस आगे हो। और दूसरा क्या है? एक्सरे शुड बी स्पेरिकली रिफ्लेक्टेड बाई द एटम्स इन वन प्लेन। वन प्लेन से ही रिफ्लेक्टेड हो, ऐसा नहीं यही तरंग फिर से यहाँ ट्रांसमिटेड होकर के दोबारा इसी नेक्स्ट लेयर से जो है वो रिफ्लेक्ट हो। देन पाथ डिफरेंस इज द 2x rays। कितना होगा? 2d sin θ = n λ। दिस मॉडल यूज टू गेट द ब्रेक लॉ आर ग्रेटली ओवर सिंप्लीफाइड। इट से नथिंग अबाउट इंटेंसिटी एंड विड्थ ऑफ एक्सरे डिफ्रेक्शन पीक्स, नेगलेट्स डिफरेंसेज इन स्केटरिंग फ्रॉम different atoms, assumes single atom in every lattice point and neglects distribution of charge around atom, then diffraction condition and reciprocal lattice. One way approaches crystal is composed of identical atom placed at the lattice site T. Each atom can re-radiate the incident radiation in all direction. Then sharp peaks are observed only in the direction for which the X-ray scattered from all lattice point interfere constructively. Suppose हम मान के चले यहाँ पर k = 2π/λ, then k vector किसी भी first यहीं थी उसको हमने transfer करके यहाँ लगे, then t is the transfer vector. Then consider two scattered separated by a lattice vector t. Lattice vector t से two जो दो है वो स्केटर्ड लैटिस हमने अलग अलग कर रखा k and k′, देन इंसिडेंट इज इक्वल टू k.t। इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट के अंदर की तरफ आ रही है इसलिए नेगेटिव लिया हमने, और k′ जो है इस पॉइंट से बाहर की तरफ जा रही है इसलिए हमने पॉजिटिव k.t। देन इंसिडेंट एक्सरे वेवलेंथ लैम्ब्डा, देन वेव वेक्टर इज इक्वल टू k, k = 2π/λ, देन डिफरेंस k′ - k.t = 2πm। एज्यूम इलास्टिक स्केटरिंग, स्केटरिंग एक्सरे हैव सम एनर्जी, देन वेव वेक्टर के हैज द सेम मैग्नीट्यूड, k′ = k = 2π/λ, देन k is equal to k upon magnitude of k एंड k′ = k′ upon k, देन कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस k′ - k′.t = m λ। Define δk = k′-k, this is the scattering wave vector. Then δk = G, where G is the defined as such a vector from which g.t = 2πm. We got δk = k′-k = G, then k′² = k² + g² + 2k.g.
देन जी स्क्वायर प्लस टू के डॉट जी इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स टू के डॉट जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस अनदर एक्सप्रेशन फॉर डिफ्रैक्शन कंडीशन। देन इवॉल्व कंस्ट्रक्शन फॉर डिफ्रैक्शन कंडीशन एंड रेसिप्रोकल स्पीस। डिफ्रैक्शन अकर्स फ्रॉम के डॉट जी इज इक्वल टू के डॉट देन के एंड के डॉट देन के डैश इज इक्वल टू माइनस के इज इक्वल टू डी के इज इक्वल टू टू पाई अपॉन लैम्ब्डा। हेयर इज पिक्चर इज शोविंग के एंड के डैश डिफरेंस बिटवीन टू एंड जीरो देन डेल्टा के इज शोविंग। जियोमेट्रिक इंटरप्लेनेशन ऑफ लवलेक कंडीशन टू के डॉट जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर देन के जी बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू जी स्क्वायर दिस इज द ब्रेक्स प्लान अवर के इज दिस फैक्टर के डस इज इक्वल टू दिस एंड जी इज इक्वल टू दिस देन वी ड्रॉ द नॉर्मल ऑफ दिस देन जी बाई टू एंड हाफ जी। डिफ्रैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस एट द परपेंडिकुलर बाई सेक्टिंग प्लान्स ब्रेक प्लान्स बिटवीन टू रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट ट्रू फॉर एनी टाइप ऑफ वेव इनसाइड ए क्रिस्टल इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन्स। Note that in the original real lattice, these perpendicular bisecting planes are the planes we use to construct Wigner's red cell. Then, geometric interpretation of Lovelock condition 2k dot g is equal to g square, then k dot g by 2 is equal to 1 by 2 g square. From Lovelock condition A, different condition for diffraction can be derived. It is given equivalent to both Lovelock and Bragg's. This is the Bragg formula. Last we discussed this. Then K dash dot minus K is equal to G, and so K dash is equal to G plus K. There is the two plane K dash minus K is equal to G and K dash is equal to G plus K, taking the dot product of both side. Then k dot k dash g plus k dot g dot g plus k, hence k dot k is equal to g dot g plus 2 g dot k plus k dot k, but the magnitude of k and k dash are equal, so k dot k dash and k dot k cancel, hence 2 g dot k is equal to g dot g. If there is a reciprocal lattice point at the position G, there is also one at minus G, so that the minus sign is unnecessary. Then K dot half G is equal to G square. Diffraction occur about this plane. Then summary, K is equal to 2 point. Various statement of the Bragg's law. 2D sin theta is equal to M lambda. Delta K is equal to G. And here G is the showing last pictures. 2k dot g is equal to g square. Then reciprocal lattice is defined by the permittive vectors b1 2 pi upon b a2 into a3, b2 is equal to 2 pi upon a3 into a1, b3 is equal to 2 pi v upon a1 into a3. A reciprocal lattice vector has the from g, g is equal to h b1 plus k b2 plus l b3. It is normal to h k l planes of direct lattice. Only waves, those wave vector drawn from the origin terminates on a surface of the Brillouin zone can be diffracted by the crystal. Then first Brillouin zone of BCC lattice and third is the first Brillouin zone of FCC lattice. Here is this one. Then atomic and structure factor and experimental techniques, neutron and electron diffraction. First, diffraction process, scattering by individual atoms, mutual interference between scattered rays, scattering from atoms. Consider single electrons plane we have. Their wave equation is u is equal to a e to the power iota k dot r minus omega t. Here k is the k space or wave vector. Their magnitude is equal to 2 pi upon lambda. Then scattered field u dash is equal to f e a by r e ki power iota k r minus omega. Here f e scattering length of electron, r is equal to radial distance. Then two electron, then u dash is equal to f e
ए की पावर आर ई डॉट के आर वन प्लस ई डॉट डेल्टा के डॉट आर और मोर जनरली यू डैश इज इक्वल टू एफ ई ए बाई आर ई की पावर आयोटा के देन ई की पावर डेल्टा आर माइनस ई की पावर के डॉट आर एंड सो वन देन मनी इलेक्ट्रॉन्स दिस इज सोविंग दिस यू डैश इज इक्वल टू एफ ई ए बाई आर ई की पावर आयोटा के डॉट आर समीशन ऑफ ई की पावर आयोटा डेल्टा के डॉट आर आई सिमिलर टू द सिंगल इलेक्ट्रॉन विथ दिस देन इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ देन एफ ई स्क्वायर समीशन ऑफ आई ई डॉट के डॉट आर डॉट आई ऑल स्क्वायर इंटेंसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड हियर इन दिस इक्वेशन एम्पलीट्यूड इज दिस ए डॉट आर एंड समीशन ऑफ आई डॉट के डॉट आर आई दिस स्क्वायर दिस इज फॉर कोहरेंट स्कैटर्ड इफ रैंडम देन आई इज इक्वल टू एन एफ ई स्क्वायर स्कैटरिंग लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एफ इज इक्वल टू वन प्लस कोस स्क्वायर टू थीटा बाई टू रूट आर ई हेयर इज द आर ई क्लासिकल इलेक्ट्रॉन रेडियस दिस इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर अपॉन एम सी स्क्वायर देयर इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 इन एटम एफ ई आई इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा के डॉट आर आई देंस एफ ई एन आर ई की पावर डेल्टा टू कैन डी क्यू आर हेयर एन आर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड डी क्यू आर इज द देयर वॉल्यूम देन एफ ए इज इक्वल टू एन आर ई की पावर आयोटा के डॉट आर आई डी क्यू आर इज इक्वल टू एटोमिक स्केटरिंग फैक्टर दिस इज द एफ ए सोविंग दिस इन दिस इक्वेशन हेयर इज द फैक्टर ऑफ सम इज इंटीग्रेशन एन आर ई की पावर आयोटा के डॉट आर डी क्यू आर इज द एटोमिक स्केटरिंग फैक्टर देन एटोमिक स्केटरिंग फैक्टर डायमेंशन लेस इज डिटरमाइंड बाई द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इफ एन आर इज स्पेरिकली सिमेट्रिक देन एफ ए इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू जीरो टू आर जीरो देर इज द आर जीरो इज द रेडियस ऑफ स्पेरिकल देन फोर पाई आर स्क्वायर एन आर साइन डेल्टा के डॉट आर अपॉन डेल्टा के डॉट आर डी आर हेयर साइन थीटा बाई लैम्बडा एफ इज शोइंग इन दिस ग्राफ दिस इन फॉरवर्ड स्केटरिंग डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो देन एफ ए इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर एन आर डी आर इज इक्वल टू जेड देयर जेड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक फैक्टर फॉर फॉरवर्डिंग स्केटरिंग इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर हेयर इज द एटॉमिक स्केटरिंग फैक्टर दिस इक्वेशन शोइंग दिस इफ द फॉरवर्डिंग स्केटरिंग देन डेल्टा के जीरो देन स्केटरिंग स्फेरिकल स्केटरिंग फैक्टर एफ इज इक्वलेंट टू एटॉमिक नंबर ऑल रेज आर इन फेज हेंस इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली देन स्केटरिंग फ्रॉम क्रिस्टल फर्स्ट वी सो स्केटरिंग फ्रॉम एटम एंड सेकेंड इज स्केटरिंग फ्रॉम क्रिस्टल देन क्रिस्टल स्केटरिंग फैक्टर एफ सी आर समीशन ऑफ आई ई की पावर आयोटा के डेल्टा के डॉट आर आई हेयर सो एफ ए एल ई की पावर आयोटा डेल्टा के आर आई देयर आर एल पोजिशन ऑफ आईथ एटम एफ ई एल करस्पॉन्डिंग एटोमिक फैक्टर वी री राइट देन एफ सी आर इज इक्वल टू एफ डॉट एस हेयर एफ इज इक्वल टू एफ ए जे डेल्टा आयोटा ई की पावर आयोटा डेल्टा के डॉट एस स्ट्रक्चर फैक्टर ऑफ द बेसिस समन्स ओवर द एटम इन यूनिट सेट एंड हेयर एस इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा डेल्टा के डॉट आर आई दिस इज द लैटिस फैक्टर समन ओवर ऑल यूनिट सेट इन द क्रिस्टल हेयर आर एल इज इक्वल टू आर एल सी प्लस एस जे सिंस डेल्टा के इज इक्वल टू जी द लैटिस फैक्टर बिकम एस इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा जी डॉट आर आई सी एंड आई इज इक्वल टू ई की पावर iota 2 pi m is equal to n then scattering intensity I is equal to fcr equivalent to fcr square where fcr is equal to f dot n then is equal to n summation of j f a j e ki power iota c j s j then g is equal to g h kl h b1 plus k b2 plus l b3 if say h is equal to u j a1
वी जे ए टू एंड डब्लू जे ए थ्री, देन एफ इज इक्वल टू एफ ए जे ई की पावर आयोटा यू जे ए जे प्लस वी जे ए टू प्लस ए थ्री, देन एच वी के फॉर द स्ट्रक्चर फैक्टर एंड दिस द स्ट्रक्चर फैक्टर इज दिस एफ आई जे ई की पावर टू पाई आयोटा एच यू जे प्लस एच वी जे प्लस एल डब्लू जे, देन स्केटरिंग फैक्टर ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। सपोज दिस इज द वी फॉर्मूला वी अप्लाई इन द सिंपल क्यूबिक लैटिस, देन फाइंड आउट द स्केटरिंग फैक्टर। देन स्केटर फैक्टर एफ डज नॉट हैव टू बी रियल बिकम द इंटेंसिव ऑफ एक्स रे गोज लाइक एफ डॉट एफ हाउ वेयर एफ डॉट एफ मस्ट बी रियल। फॉर ए सिंपल क्यूबिक लैटिस द स्ट्रक्चर फैक्टर इज इजी टू कैलकुलेट, द बेसिस इज वन एटम एट 0 0 0। सपोज दिस इज एटम, दिस विल बी प्रोड्यूस ऑल द एटम इन द यूनिट सेल बाई ट्रांसलेशन, देन एफ एच के एल इज इक्वल टू एफ एफ 0 इज इक्वल टू एफ ए। दिस मीन्स ऑल द रिफ्लेक्शन वेयर डेल्टा के इज इक्वल टू जी आर अलाउड, सो वी सी ऑल द रिफ्लेक्शंस ऑफ द एटम एच के एल, फॉर एग्जाम्पल 100 110, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर्स, वी विल सी दैट दिस इज नॉट ट्रू फॉर द बी सी सी एंड एफ सी सी लैटिस। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर फैक्टर ऑफ द बी सी सी लैटिस, देन आइडेंटिकल एटम्स स्ट्रक्चर फैक्टर एफ इज इक्वल टू समीशन जे एफ ए जे ई की पावर टू पाई आयोटा एच यू जे के वी जी एंड देन एल वी जे, देन टू एटम्स पर यूनिट सेल एस इज इक्वल टू 0 0 1 एंड एस इज इक्वल टू ए 1/2 1/2 एंड 1/2, देन एफ इज इक्वल टू एफ ए 1 प्लस ई की पावर पाई आई एच के एल, हेयर एफ इज इक्वल टू 2 FA इफ एच प्लस के प्लस एल इज इवन, देन एफ इज इक्वल टू 0 इफ एच के एल इज ओड, डिफ्रेक्शन इज एबसेंट फॉर प्लेन्स विथ ओड सम ऑफ मिलर इंडिकेट्स। फॉर अलाउड रिफ्लेक्शन इन एफ सी सी लैटिस एच के एल आर ऑल इवन ऑफ ऑल ओड फॉर एटम्स इन बेसिस, वाट अबाउट सिंपल क्यूबिक लैटिस। This is the BCC structure. Then F odd and this F AD. Consider this F is equal to F plus F approximate HKL. This F approximate this F HKL odd. This is F is equal to 0. Then diffraction of a simple cone when the sum of HKL odd, then second term is minus 1. So F odd totally 0. Then HKL even, then second term S is equal to plus 1. So this is equal to f plus 2f. This diffraction from BCC planes where HKL is odd are of zero intensity. They are forbidden reflection. These reflections are usually omitted from the reciprocal lattice.